चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। तुम जाओ, जाओ। चलो राधा। बा, दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चिराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे। लीजिए आ गया दर्द दबे पांव। वाह, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आपका घर तो बहुत शानदार है। दूर कदम पड़े तुम्हारे के सारी बंद जाए। अब तुम आ गई हो तो गाली गलौज का दौर चलेगा। तो बैग नीचे रखो और ये बताओ कि ग्राउंड फ्लोर पर रहोगी या फर्स्ट फ्लोर? मेरे आने की वजह नहीं पूछोगे? इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें बैग समेत देखकर तुम्हारे आने की वजह पूछूं। भाई जाहिर है तुम मेरे घर को अपना घर समझकर आई हो, फॉर व्हिच यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अच्छा बताओ ऊपर के नीचे यहाँ तो मैं सोता हूँ। अब से नहीं सोओगे। ओके, अब मैं तुम्हें अपने आने की वजह बताती हूँ। यानी जो मैं समझा था वो गलत था? जी हाँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के आई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, यही तो मैं चाहता था। लेकिन यहाँ रहने नहीं, तुम्हें यहाँ लेने आई। ओह, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन कहाँ? मेरे दादाजी का एक फार्म हाउस है जो मेरे नाम पे है, वहाँ कोई नहीं रहता। मैं चाहती हूँ उसे आबाद करके उसमें रहूँ। रहूँ या रहें? तुम्हारे बारे में मैं तो फैसला नहीं कर सकती ना। लेकिन तुम मुझे लेने आई थी ना? लेकिन सिर्फ मेरी मदद के लिए। तो इसका मतलब यह है कि मैं वहाँ पे तब तक रहूँ जब तक के फार्म हाउस बस नहीं जाता, उसके बाद अपना सूट केस पैक करके अपने घर चला हूँ। ठीक है भाई, ये भी चलेगा आपके लिए। इडियट हो तुम, मैंने ये कब कहा कि तुम सूट केस लेके बाद में वापस चले आना? तुम चाहो तो वहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो, पूरी जिंदगी में। अच्छा ये बताओ वहाँ कोई रहने के लिए झोंपड़ा वोपड़ा है या आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा? पूरा फार्म हाउस है, वहाँ माली है, मालन है, घोड़ा गाड़ी है, सब कुछ है। और तुम्हें कुछ फार्मिंग के बारे में पता है कि नहीं? अभी तक तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मुश्किल तो कोई काम नहीं होता। तो कब चलना होगा? अभी। You mean अभी? I don't like to waste time. ठीक है भाई, मैं आपके साथ अभी इसी वक्त कहीं भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात बताओ, पापा कर्जा कैसे उतारे हैं? पापा की बेटी होने के नाते ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, जिसका एक सीधा सा जवाब तो ये है कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ अमृत राम से शादी करूं, जो मुझे मंजूर नहीं। तो क्या होगा पापा का? तो महेश, तुम पैसे का इंतजाम नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन राधा से शादी की बात तो कर ली होगी। अगर किसी वजह से ना भी कर ली हो तो मैं खुद कर लूंगा, मुझे अच्छी तरह जानती है वो। अगर तुम्हें वो अच्छी तरह से जानती है तो फिर मुझे कर्जे में फंसा के फिर उसके साथ बात करने की हिम्मत क्यों हुई तुम्हारी? नहीं, क्या है कि उस वक्त वो इनकार कर सकती थी, नहीं कर सकती। वो इनकार कर चुकी है अमृत राम, और ये घर छोड़ के भी जा चुकी है। क्या? तो मेरे कर्जे का क्या होगा? तुम अगर इंतजार नहीं कर सकते हो तो अदालत चले जाओ, वहां जो इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी वो तुम्हें हर महीने मिल जाया करेगी। महेश, तुम शायद नहीं जानते कि पैसे वसूल करने के और भी तरीके होते हैं। अमृत राम तुम ही हो? जी। बा ने बताया कि राधा के पिता ने तुमसे 13 लाख रुपए कर्ज लिया। जी। और अब तुम्हें वापस नहीं लौटा पा रहे? जी।
जब नहीं है तो कहां से चुका पाएंगे? लेकिन तुम चिंता मत करो, उनका कर्जा मैं चुकाऊंगी। लो ये चाबियां और खोलो तिजोरी। अगर अपने पैसे चाहिए तो लो ये चाबियां, खोलो तिजोरी और गिन लो अपने पैसे। अगर कोई इंटरेस्ट हो तो वो भी निकाल लेना। आइंदा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, ना ही तुमसे मेरे पैसे मांगूंगा। याद रखना, मैं राधा को हासिल करके ही रहूंगा। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। काका नहीं दिख रहे मालकिन, उनको गुजरे तो एक साल हो गया। तुम लोग ठीक ठाक हो ना मालकिन? अब तो हम भी ये वाड़ी की तरह टूट फूट गए हैं। मालकिन आपने फोन पे कहा था कि आप इधर रहेंगे, लेकिन यहाँ तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। है ना अपना वहाँ फार्म हाउस? था मालकिन, अब वो रहने लायक है या नहीं आप चल कर देख लीजिए। चलो चलिए। मच्छर भी हैं भाई। चूहा था, और जहाँ चूहे होते हैं वहाँ सांप भी होते हैं। अब इसका मतलब यहाँ सांप नहीं होंगे, क्योंकि चूहे तो खुलेआम घूम रहे हैं। आइए मालकिन, आइए। हालत है, छत कभी भी गिर सकती है। अब तक नहीं गिरी तो अब तक गिरेगी। देख देख के देख के देख के छत में तो एक भी बार गिरना है ना। मुझे लगता है इसका टाइम आ गया। बाबूजी ठीक कह रहे हैं मालकिन, यहाँ तो भिखारी भी आकर नहीं सोते। सोएंगे सोएंगे, रिपेयर होने के बाद सोएंगे। रिपेयर होने के बाद नहीं, नया बन जाने के बाद। ओके, नया बन जाने के बाद। और तब तक? तब तक क्या, वैसे हम यहाँ आराम करने नहीं काम करने आए। ओके रोज सुबह आ जाया करेंगे, शाम को चल जाया करेंगे। नहीं, मैं टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती, समझ गए? हाँ, तुमने फैसला कर दिया है तो मुझे समझना ही पड़ेगा। चलो, फावड़ा कहाँ है? ए, चुप ना। एक दिन इस मिट्टी को सोना बनाऊंगी। मार दिया। अरे मेरी मानो तो अब भी वापस चलो, ठंडे ठंडे एसी रूम में सोएंगे, कल सुबह जल्दी वापस आ जाएंगे। यहाँ से आने जाने की बात मत करना। ओके अरे यार जल्दी लाओ, मर गई मच्छर का। अभी लाया। ओहो आदल भी बेटा, जब हम छोटे थे ना तो हमारे मालिका का इसी तरह गोबर जलाकर लाते थे और मच्छरों को भगाते थे। अरे हमारे पास एक गाय थी ना। जी मालकिन। फिर से ले लेंगे। क्या गाय?
मालकिन, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी शादी हो गई? अरे नहीं हुई भाई, और ये फार्म बन जाने के बाद तो कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी तो मैंने उन्हें प्रपोज भी नहीं किया। अच्छा, कौन है वो बदकिस्मत जिसे तुम प्रपोज करने वाली हो? शादी पर देख लेना। देखा आर्या, तुम समझते थे ना मैं इनका पति हूँ, नहीं हूँ। मालकिन, आप लोग रात को सोएंगे कहाँ? यहाँ। जंगली जानवर आएंगे और हमें खा जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं बाबूजी, हम आग जला के रख देंगे, और अपने कुत्ते भी तो हैं। That's it. आज खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। आज क्या हो गया? आज क्या नहीं हुआ, राधा घर छोड़ के चली गई है। उस वक्त तो बहुत खुश थी। खुश तो लोग लड़की की शादी में भी होते हैं, फिर रोते क्यों हैं? उससे बात करने को बहुत दिल कर रहा है बा। अभी बात करा देती हूँ। हेलो राधा, मैं बोल रही हूँ। माँ, आप लोग कैसे हैं? क्या खा रही हो राधा? खाना खा चुकी माँ। माँ की याद नहीं आई? आई थी, लेकिन इतनी भूख लगी थी कि खाना खा लिया। आपने और जतिन ने खाना खा लिया? मैंने तो अभी नहीं खाया, जतिन का पता नहीं। माँ, उसका पता आप कौन रखेगा, अब तुम ही तो हो। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। बाय। ओके बाय। थैंक गॉड माँ बिल्कुल ठीक है। यही तो खूबी है तुम में, दीवानों को ठीक कर देती हो, और जो ठीक होते हैं उन्हें दीवाना। लेकिन उनका कुछ नहीं कर सकती जय, जो पैदाइशी पागल हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे। राधा ने कहा है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। जी। वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, अकेली फार्म पे गई है। तुमने कभी उसके बारे में कुछ सोचा? कल सुबह तो जा रहा हूँ मां उसकी मदद करने। राधा की बच्ची, हियर आई कम। खाना खा के जाओ। जी। लाज साहब उठिए, उठो ना जय। तुमको यहाँ आराम करने के लिए बुलाया, काम करने के लिए बुलाया, उठो। अरे हरिया, बेटी लावा। बेटी ले आए हूँ सर। थैंक यू। अब मुंह धो और चाय पियो, चलो। अरे शेरों ने कभी मुंह धोया है क्या? कम। हरिया देखना कौन है। अरे कौन आएगा हमारे लिए यहाँ? चलो मैं देखती हूँ। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फिल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे। कौन आ गया सुबह सुबह? राधा की बच्ची। अरे जल्दी आ गया। हाय। क्यों भाई यहाँ पर, किस लिए? मैडम, हम दोनों आपकी मदद के लिए आए हैं। क्या बात है? ऑफ कोर्स भैया, देखो अगर राधा तुम्हारी बहन है तो हमारी दोस्त भी तो है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। देखिए आपकी एक और दोस्त आ गई। हेलो, वेलकम 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 एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अबे चंपा, जरा 25-50 कप तो चाय ले आना यार, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। कम कम लेकिन भाई मेरे ख्याल से तो सबसे जरूरी ये है कि देखे कि मिट्टी की जांच के लिए इसके सैंपल्स किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को भिजवाया जाए, प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही करते हैं। ओके चलो आओ अभी। चलो बस
कोई भी मदद नहीं करता। अब कहेंगे ये भी उठाओ, उठाना ही पड़ेगा। मैं आऊं? नहीं नहीं ठीक है, हरिया को बोला पानी चलाए। हरिया पानी चलाना। दुगाया पानी आ रहा? हाँ शुरू है। चलो गुड। तुम्हारा मोना के बारे में क्या ख्याल है? मोना की तरफ से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। था ही कब? राधा ठीक ही कहती है। देखो राधा मेरी बहन है इसलिए चुप रहता हूँ। तुम ही बताओ मैंने तुम्हारे पे कभी काली लाल हरी या पीली लाइन मारने की कोशिश की है? अरे मैं तो जीता जागता रबर हूँ, किसी ने लाइन मारी नहीं और मैंने मिटाई नहीं। लगता मोना भी कुछ ऐसी है। भाई ये तो तुम मोना से ही पूछो। सब है ना? अरे वो तो है। अरे हाय हाय, लगता है आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसानों से नफरत करें? इंसानों से नफरत? मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, और खासकर आप जैसी खूबसूरत लड़की से। आजकल तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। वो राधा ने इतना सारा काम दे दिया है कि देखने की फुर्सत ही नहीं है। बट अब जो देख रहा हूँ, कम लेट्स हैव अ कोल्ड ड्रिंक। प्लान तो खूबसूरत है लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, आई मीन पूरा घर बनने की? नहीं राधा, अभी कॉस्ट का सही सही अंदाजा नहीं निकाला है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल्स, ये सब हम सेकंड हैंड खरीदने वाले। डोंट वरी जेके, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम यार। अवजय साहब, आप इसी प्लान के मुताबिक काम शुरू करिए। जी। पर ये बताओ कि ये जगह रहने लायक कब तक बन जाएगी? हाँ। फार्म बनते बनते घर भी बन जाएगा। वाह क्या जोक मारा है। हाँ, कर गए ना गोलमोल बात। अच्छा ऐसा कीजिए, आप अभी से काम शुरू कर दीजिएगा। हाँ भाई। ओके जी। एंड डू इट फास्ट। ओके चलो। दैट्स इट। जब मैं घर से चली थी तो मैंने सोचा था एक इंडिपेंडेंट, आजाद, बिना किसी फिक्र की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन यहाँ आकर इतना बोझ पड़ जाएगा मुझ पर। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कैसा बोझ? मैंने सोचा था मैं यहाँ एक पुराना घर है उसमें रहूंगी, खेती बाड़ी करूंगी जैसे किसान लोग करते हैं, एक पोल्ट्री फार्म होगा। लेकिन यहाँ तो नया घर बन रहा है, जतिन ने अपनी गाड़ी बेच दी और ट्रैक्टर ला रहा है, तुम भी कितना खर्च चुके हो। सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। फिर भी देखो, दुनिया में तन्हा चलकर कोई खुश नहीं रह सकता। तुम भी तो तन्हा हो। अरे मेरी बात और है, तन्हा हूं और बहुत खुश हूं। हेलो बजाज रेसिडेंस। हेलो जेनी, हाउ आर यू? ओ राधा, हम तो अच्छा है, पर हमारा एंथनी बीमार है। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, दारू बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और नारियल पानी पिलाना पड़ेगा। फिर एंथनी को हॉस्पिटल में दाखिल कराया, बॉय को बोला दिन में 4-6 नारियल पानी पिलाना, पर वो क्या करता, एंथनी से पैसा लेता, खूब नारियल पानी पीता और वो खाली खोखे में क्वार्टर डाल के एंथनी को पिलाता। बस एंथनी का तो मजा ही मजा, रोज 4-6 क्वार्टर मारता था। अब एक दिन मेरे को भी प्यास लगा, बॉय को बोला 1-2 नारियल लेके आओ, गलती से वो क्वार्टर वाला नारियल मेरे को दिया, एक घूंट पिया और मेरा तो छाती और गला दोनों जल गया। फिर 2 गाली डॉक्टर को दिया, 2 थप्पड़ एंथनी को लगाया और घर लेकर आया, बंद कर दिया उसे संडास में, अब उधर बैठ के रोता है। अच्छा मिस्टर बजाज को फोन दो। मिस्टर बजाज, राधा का फोन। हेलो राधा। हेलो मिस्टर बजाज, मैं अपने फार्म से बोल रही हूँ। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा फार्म भी है। जी अभी डेवलप किया है, मैं चाहती हूँ
कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी आप करें। परसों 4 बजे है, कार्ड आपको आज मिल जाएगा। मेरे और दोस्त भी आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं अभी स्वीकार कर लो राधा। आप नहीं आएंगे?